हाय गुड आफ्टरनून. सो मैं फिर से वापस आ गई पिछले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट लेके. उस सर्जरी में क्या हुआ था नहीं हुआ था मैंने हाफ पार्ट आपको बता दिया था. लैप्रोस्कोपिक व्यू मैंने दिखा दिया था, अब हिस्टरोस्कोपिक व्यू मैं आपको दिखाऊंगी. एंड नाउ इट्स डन. सेप्टम पूरा क्लियर हो गया है. अब वो जो पैसेज है वो क्लियर हो चुका है. सो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड ये है हमारा एक ओवरी. इधर भी एक ओवरी है. ये ओवरी ओव्यूम प्रोड्यूस करते हैं एंड ये जो फिब्रिया हैं वो कलेक्टिवली यूज़ होते हैं ओव्यूम को फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ये वॉल्स जो एंडोमेट्रियम मेट्रियम जो वॉल्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए अगर वो अनफर्टाइल रह जाते हैं तो. ठीक है. सो एज वी नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द एम्पुला एंड इस्थमस रीजन इन बिटवीन द एम्पुला एंड इस्थमस रीजन. सो स्पर्म को इंसर्ट द फेलोपियन ट्यूब आने के लिए ये वाला पोर्शन चाहिए टू गो इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. सो हम लोगों ने वीडियो पे देखा कि उनने यहाँ पे कोई सेप्टम बना है जिसको उनने काट रहे हैं. सो वो सेप्टम कहाँ बना है, इस रीजन को क्या कहते हैं. इस रीजन को इंट्राम्यूरल सेगमेंट कहते हैं. इंट्राम्यूरल सेगमेंट इस्थमस और यूट्रस के बीच में होता है. यहाँ सेगमेंट्स या ऑब्स्ट्रैक्शंस बन जाता है जिस वजह से स्पर्म नहीं जा पाता है एंड फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता, जिससे कि हमारी जो फीमेल है जो औरतें हैं वो कंसीव नहीं कर पाती. तो इस वाले सर्जरी में उनने ये सेगमेंट एक साइड का सेप्टम काटा जहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्शन हो गए थे, मतलब दो होल्स बन गए थे, दो पैसेज बन गए थे जिसमें जिसके थ्रू जब जा रहा था स्पर्म वो नहीं जा पा रहा था एंड जिस वजह से ऑब्स्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था. दैट्स वाई यहाँ पे जो सेप्टम बना था, जो ऑब्स्ट्रक्शन बना था वो कट कर दिया गया. और कट करने के बाद ये पैसेज पूरा क्लियर. अब देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन टू गेट फर्टाइल. अब ये सर्जरी के बाद देखना है कि रिजल्ट क्या आता है. अगर इसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाती है फीमेल, सो इट इज़ ईदर मेल्स फॉल्ट और इधर फीमेल्स फॉल्ट. इसके लिए बाद में फिर डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं. तो ये था मेरा सेकंड पार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे नए नए एंड नॉलेजेबल व्लॉग्स मैं डेली बना पाऊँ. डेली जो सर्जरी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्ड करके डाल सकूँ, बिकॉज़ वो मेरा डेली व्लॉग होता है. मैं क्या काम करती हूँ नहीं करती हूँ वो आप लोग को दिखा सकूँ. इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.